हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि स्प्रिंग का टाइम चल रहा है और सभी पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, धूप भी इन्हें अच्छी मिल रही है। अगर इसी तरीके से हमारे इंडिया का मौसम बना रहे तो हमारे यहाँ बहुत ही जो टेरेस गार्डन होता है वो बहुत ही अच्छे से चल जाएगा और नेट वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही जितना हमें धूप चाहिए उतना प्रॉपर है इस टाइम में। तो जब ज़्यादा ठंड होती है तब भी हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब भी हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फिलहाल आज हम देखते हैं कि हमारे गार्डन में क्या क्या हमने नया किया है और क्या है गार्डन में नया कुछ। तो गाइस, समर के टेरेस गार्डन में मैंने गेंदे के, मतलब समर में मेरे टेरेस गार्डन पर गेंदे का प्लांट बहुत ही आपको देखने को मिलेगा। कुछ फ्लावरिंग कर रहे हैं और कुछ अभी छोटे हैं। तो ये देखिए, छोटा वाला है, वहीं मैंने यहाँ पे कुछ कटिंग लगा रखे हैं रोज प्लांट के, जिन्हें की ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा वहीं पे मैंने डायंथस की कटिंग भी समर के लिए लगाई है, क्योंकि डायंथस समर में भी अच्छे से फ्लावरिंग करता है और चल भी जाता है। तो ये देखिए, एज अ कटिंग ग्रो किए हुए प्लांट है। समर के लिए मैंने बिंका के 3-4 गमले तैयार किए हैं, जिसमें कि बिंका और गेंदा भी है, और एक दो में तो सिर्फ बिंका के ही 2-3 प्लांट मैंने लगा रखे हैं एक गमले में। ये देखिए, ये गेंदा है और ये इस तरीके से इसको मैंने ऊपर से पिंच कर दिया था, तो बहुत सारी ब्रांच ये देखिए निकल चुकी हैं। वहीं पे गजानिया भी बारिश आने से पहले तक खूब अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और ये मेरा अंग्रेजी गुलाब जो कि एज अ कटिंग लगा था, तो मुझे इंतज़ार है इसमें कली आने की और फ्लावरिंग होने की। बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि जब इसमें फ्लावरिंग हो तो मुझे दिखाएं, तो ज़रूर मैं दिखाऊंगी। और जब से मैंने पिटूनिया का लगाया है तब से हमारे यहाँ का मौसम जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, तो लेकिन अब इसमें फ्लावरिंग के लिए देखिए कलियाँ आ चुकी हैं। तो अब देखते हैं इसमें किस रंग का फूल आता है। ये भी बारिश होने से पहले तक खूब अच्छे से सर्वाइव करता है और कभी कभी तो ये पूरे साल चला जाता है। और ये भी एक गेंदे की कटिंग मैंने देखी, इस तरीके से पॉट में लगा रखा है और इसमें एक छोटा सा गेंदा खुद से ही उग गया है। और ये डहेलिया देखिए, एज अ कटिंग ग्रो हुआ मेरा प्लांट। अब ये देखिए कब इसमें फ्लावरिंग होती है। साथ में ये समर में भी फ्लावरिंग करने वाला जरबेरा प्लांट, क्योंकि अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये देखिए मेरा बोगनवेलिया, जिसे कि प्रून कर दिया था, इसमें बहुत सारी कलियां आ चुकी हैं और इसमें नए नए ग्रोथ आप देख सकते हो कितनी अच्छी है, ये देखिए। और यहाँ पे सिवाय खेल रहे हैं अभी सिवाय की मालिश हुई है। और गाइस, मैंने कुछ टमाटर भी ग्रो किए हैं सीड से, तो ये यहाँ पे एक निकला है और इसके एक दो पौधे और छोटे निकले हैं, और यहाँ पे न जाने किस चीज़ का पौधा उग गया है, ये देखिए। और इसी पॉट में मैंने 2 स्प्रिंग अनियन लगा रखे हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और इसी में बहुत सारे पौधे, ये देखिए टमाटर का एक और पौधा, और इसमें मॉस रोज भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। अब टाइम आ गया है कि मॉस रोज को एज अ कटिंग ग्रो कर लिया जाए। और ये सभी पहले के प्लांट जो कि अच्छे से चल रहे हैं, और मैंने सभी को एक जगह पे कलेक्ट करके रखा है। अभी मुझे गमलों की रंगाई भी करनी है। तो गाइस, ये सारे मेरे आज के काम हैं और कुछ प्लांट के इंफॉर्मेशन जो कि मैंने लगा रखे हैं समर के लिए, और विंटर के बहुत सारे फ्लावर प्लांट जैसे कि गुलदाउदी और डहलिया को छोड़कर बाकी सभी लगभग बारिश होने से पहले तो आपके गार्डन में बने रहेंगे, अगर आप थोड़ा सा उसका अच्छे से केयर करते हैं तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैप्पी ऑन अ स्टे।